कांग्रेस के बड़े नेता एके एंटनी ने छोड़ी चुनावी राजनीति, सोनिया गांधी को लिखी चिट्ठी, कहा मैं सक्रिय राजनीति से संन्यास लेना चाहता हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। सितारगंज में सरकार ने इसी उम्मीद के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की थी कि 2022 तक हर गरीब और योग्य व्यक्ति के रहने के लिए पक्का आशियाना हो। गरीब भी यही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उन्हें रहने के लिए सिर पर पक्की छत मिलेगी, लेकिन आज भी गरीब और पात्र व्यक्ति तो योजना का लाभ लेने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। सभासद रवि रस्तोगी के नेतृत्व में लाभार्थियों ने शहरी विकास सचिव को SDM तुषार सैनी के जरिए ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा है कि 10 महीने बीत चुके हैं, लगातार लाभार्थी नगर पालिका के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनको प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा नहीं मिल पा रहा है। शहरी विकास उत्तराखंड को सचिव महोदय को माननीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से उनको ज्ञापन भेजा है, और उस ज्ञापन में हमारा कहने का मतलब ये था कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी जी द्वारा जो चलाई जा रही है, उनका कहना है कि सभी को आवास मिले, सभी लोग पक्की छत के नीचे रहें, लेकिन कुछ अधिकारियों की मनमानी के कारण और जो ढीलमूल रवैया जो अधिकारी अपनाते हैं, अपनी मनमानी करते हैं, उनके कारण जो गरीब लोग हैं उनको आवास नहीं मिल पा रहा है। और उनको आवास मिलने का ना कारण यह है कि बेचारे लगातार विभागों के चक्कर काट रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन उनको आवास नहीं मिल पा रहा है। उनसे ये कह दिया जा रहा है कि भाई तुम्हारे बैंक के अकाउंट ख़राब हैं, या फिर देहरादून से काम नहीं हो रहा है, या फिर यहाँ से काम नहीं हो रहा है। हमें इससे हम इस किसी पर कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं। हमारे कहने का मतलब ये है कि एक जैसे ये किशन लाल हैं, ये बेचारे टुक टुक चलाते हैं, टुक टुक चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, और इनसे अब जो झोपड़ी में रह रहे थे वो तो इनसे झोपड़ी भी हटवा दी गई। अब झोपड़ी के बाद बेचारे खुले आसमान के नीचे आ गए, किराए पर रह रहे हैं। तो सितारगंज का एक पूरा मामला है जहां पर सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की थी। 2022 तक ये लक्ष्य रखा गया था कि हर गरीब तक पक्का आशियाना पहुंच जाएगा या फिर पैसे मिल जाएंगे ताकि गरीब पक्की छत बना सके, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है। सितारगंज में कई ऐसी योजना है जिसके लाभ से आम जनता या गरीब जनता वंचित नजर आ रही है। उनके रहने के लिए सिर पर पक्की छत नहीं मिल रही है। गरीब और पात्र व्यक्ति योजना का लाभ लेने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर भी काट रहे हैं। सभासद रवि रस्तोगी के नेतृत्व में लाभार्थियों ने शहरी विकास सचिव को SDM तुषार सैनी के जरिए ज्ञापन भी भिजवाया है। उन्होंने कहा है कि 10 महीने बीत चुके हैं, लगातार लाभार्थी नगर पालिका के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनको प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा नहीं मिल पा रहा है, यानी कि योजनाओं का लाभ आम जनता तक नहीं पहुँच पा रहा है। इस तरह की तमाम जो शिकायतें हैं लगातार आम जनता कर रही है। तो हम लगातार SDM तुषार सैनी से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो फोन नहीं उठा रहे हैं। तो लाभार्थी लगातार ये कोशिश कर रहे हैं, शहरी विकास सचिव को SDM तुषार सैनी के जरिए एक ज्ञापन भी सौंपा है, और SDM तुषार सैनी से न्यूज वर्ल्ड इंडिया की टीम लगातार संपर्क साधने की कोशिश कर रही है, लेकिन SDM फोन नहीं उठा रहे हैं। सितारगंज से मेरे सहयोगी दीपक मेरे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, SDM तुषार सैनी से हमने बात करने की कोशिश की लेकिन वो फोन नहीं उठा रहे हैं। लाभार्थियों का मामला है, सितारगंज में तमाम ऐसे गरीब है जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला है। जी, आपको बताना चाहूंगा ये पहला है जिसमें लगातार पहले मामले आए हैं, और ऐसे कई लोग हैं जिनको उनको जो है लिस्ट में जो तो शो कर रहे हैं पैसे, लेकिन उनको जो है उसकी जो है उसमें मदद जो नहीं मिल पा रही है। इसीलिए जो है कल जो है यहाँ पे SDM कार्यालय में सभी लोग यहाँ पे आए थे और उनको जो है ज्ञापन दिया है और उनसे मांग की है कि हमारी जो भी समस्या है समस्या का जो है समाधान जल्द से जल्द और करें, और जो है इसमें आगे जो उच्च अधिकारी हैं उनसे जो है SDM साहब ने कहा है कि उसमें कार्रवाई की जाए। बिल्कुल दीपक, देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना की हम बात करें तो ये योजना कोई नई नहीं है कि एक महीने पहले आई है या दो महीने पहले आई है, सालों हो गए हैं। उसके बावजूद भी सितारगंज में लोगों को आवास नहीं मिल पा रहा है या पैसे नहीं मिल पा रहे हैं। 10 महीने से लगातार लाभार्थी चक्कर काट रहे हैं सरकारी दफ्तरों के, हताशा हाथ लग रही है सिर्फ, इसके अलावा कुछ नहीं। क्या वजह है
क्यों बातचीत नहीं हो पा रही लाभार्थियों और अधिकारियों के बीच? जी आपको बताना चाहूंगा, लाभार्थी जो है काफी समय से परेशान है। इसमें नगर पालिका की यो से भी बात करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने भी फोन पे भी कोई वार्ता नहीं की। उन्होंने कल मिलना भी चाहे, न्यूज़वर्ल्ड इंडिया की टीम सितारगंज पहुंची थी वहां पर, लेकिन उन्होंने कोई स्पष्ट इसमें जवाब नहीं दिया है। उन्होंने काला मटोली कर दी है और कहा है, और आगे उन्होंने एडमिन साहब के लिए कहा था, तो ये लोग जो है यहाँ पे हम लोग भी आए थे और एडमिन साहब से मुलाकात करी थी और जो लाभार्थी है बहुत खुश थे। कितने ऐसे गरीब लोग हैं जिनको आवास नहीं मिल पाया है या आवास के पैसे नहीं मिल पाए हैं, कितनी संख्या है इनकी? जी मैं आपको बताना चाहूंगा, 21 लोग हैं लगभग यहाँ पे, और 21 लोगों को पेमेंट तो शो कर रहा है लिस्ट में, लेकिन जो है इनकी इनके पास अभी पैसा नहीं आया। इनको टाला मटोली रोज की जा रही है कि आज आ जाएगा कल आ जाएगा, मतलब ये कई महीनों से हो रहा है इनके साथ में, ये काफी ये लोग जो है यहाँ पे परेशान है। दीपक, क्या आपने बात करने की कोशिश की जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनसे? क्या आप गए उनके पास बातचीत की? क्योंकि देखिए, योजना का लाभ कहा जाता है कि हर किसी को मिल रहा है, हर गरीब तक पहुंच रहा है, लेकिन सितारगंज में ही जहां पर डबल इंजन की सरकार है, वहां पर ही अगर योजना का लाभ नहीं मिल रहा है तो दूसरे इलाकों में हम किस तरह की उम्मीद रख सकते हैं? जी आपको बताना चाहूंगा, एक्टिंग प्राप्ति भी कल बात हुई है और नगर पालिका की यू पी भी बात हुई है, उन्होंने कोई अभी ऐसा कोई स्पष्ट हमें कोई जवाब नहीं दिया है। उसने ये कहा है कि हम इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। दीपक, यहाँ मैं रोकूंगी आपको। किशन पाल लाभार्थी हैं, वो जरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। किशन पाल, सबसे पहले आपसे पूछूंगी, आपने कब अप्लाई किया था प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए? हो गया भाई जी, ये करीबन लगभग 4 साल हो गए। और चार सालों में अधिकारियों से आपने कितनी बार बात की है कि हमें घर चाहिए, पक्का मकान चाहिए? करीबन एक हफ्ते में 2 चक्कर लगाता हूँ भाई। एक हफ्ते में 2 चक्कर? हाँ। और कितनी दूर नगर निगम का ऑफिस है, कितनी दूर अधिकारियों का ऑफिस है जहाँ आप रहते हैं? ये मेरे यहाँ से करीब पड़ता है 1 किलोमीटर। 1.5-2 किलोमीटर? 1 किलोमीटर है भाई। इतनी दूर रोजाना जाना, हफ्ते में 2 चक्कर लगाना, उसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई आश्वासन मिल रहा है? कुछ नहीं, मतलब ये है कि मतलब वो 20,000 रुपए इन्होंने डाले थे खाते में, तो 14 आदमियों के पैसे आ गए, लेकिन मेरा पैसा नहीं आया। लिस्ट में 14 आदमी थे, टोटल में 13 को पैसा मिल गया, मुझे 14 को नहीं मिला। जब मैं गया, मैंने कहा उससे, बोले तुम्हारा खाता गड़बड़ है कि ये है वो है, तो संभालेंगे, तो संभालते हो गए उनके लिए करीबन 2 साल। किशन पाल जी, आप जैसे कितने ऐसे लोग हैं आसपास के जिन्हें अब तक योजना का लाभ नहीं मिल पाया है या पैसे नहीं मिल पाए हैं पक्का मकान बनवाने के लिए? मैं इतना परेशान, इतना दुख हूँ, मैं किराए पे रह रहा हूँ। इन लोगों ने मुझसे कहा कि तुम अपना ये छप्पर ऊपर हटा दो और आपके लिए जल्दी हटा दो, मैं तुरंत डबल किस्त दे देंगे। तो मैंने इनके कहने पे मैंने अपना छप्पर ऊपर सब हटा दिया और मैं रोड पर आ गया हूँ। मैं मेरे परिवार में सब सामान वामान भीगता है, मेरा कुछ देगा नहीं है। तो 4 सालों से सिर्फ आपको आश्वासन ही दिया जा रहा है किशन पाल जी। हाँ जी, मतलब करते हैं कि आपकी समस्या को हम सुन रहे हैं और आगे तक आपकी समस्या आए ताकि आपकी समस्या का समाधान जल्द से जल्द निकल सके। देखिए, दीपक भी लगातार मेरे साथ बने हुए मेरे सहयोगी, लेकिन अगर SDM तुषार की हम बात करें तो वो लगातार बिजी जा रहे हैं, उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है और उन्होंने फोन उठाया और साफ तौर पर कह दिया है कि हम काउंटिंग में बिजी हैं, अभी हम इस टॉपिक पर बात नहीं कर सकते, किसी गरीब को आशियाना अभी ये नहीं दिला सकते क्योंकि ये काउंटिंग में बिजी हैं, क्योंकि 10 मार्च को यानी कि कल मतगणना होनी है। तो देखिए, जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ना इसे बहुत अच्छे तरीके से कहते हैं कि जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लिया है। ये तस्वीरें हैं सितारगंज की, जहां पर खुद SDM ये कह रहे हैं कि हम काउंटिंग में बिजी हैं, अब अभी ये समस्या नहीं सुन सकते। जैसे कि ये समस्या नहीं हो 4-5 साल से, अभी आपने सुना किशन पाल लाभार्थी हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने साफ तौर पर कह रहा है कि 4-5 सालों से लगातार हर हफ्ते वो 2 दिन जाते हैं लेकिन कोई समस्या का समाधान नहीं निकलता। हर बार ये कह दिया जाता है कि आप कल आइएगा, अगले हफ्ते आइएगा या इसके बाद आइएगा, अभी अधिकारी नहीं है, अभी साहब चाय पी रहे हैं, अभी साहब सो रहे हैं, अभी साहब ये कर रहे हैं, अभी साहब ऑफिस में ही नहीं है। ये तमाम चीज़ें जो हैं हमें लगातार दिखाई देती है और यही
हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी जनता की जो आवाज है उन कानों तक पहुंचे जो जिम्मेदार हैं। दीपक मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। दीपक देखिए, एसडीएम से लगातार कोशिश की जा रही है बातचीत करने के लिए, वो कहते हैं कि हम काउंटिंग में बिजी हैं, हम इस पर बात नहीं कर सकते। क्या पहली बार ये मुद्दा उठा है? 4-5 साल बीत गए तब भी काउंटिंग में बिजी थे एसडीएम साहब? जी मैं आपको बताना चाहूंगा, एसडीएम तो आते रहते हैं, जाते रहते हैं, ट्रांसफर होता रहता है, लेकिन पिछले वाले जो एसडीएम साहब आए हैं कि वही नेता कोई स्पष्ट रवैया जो है ठीक नहीं लगा इस मामले को लेके, और भी कई मामले आते हैं सतारा क्षेत्र में, लेकिन एसडीएम साहब का जो रवैया उनके ठीक नहीं रहता है, उन्होंने अभी तक कोई इस मामले पर जो है कोई स्पष्ट अपना जो है जवाब नहीं दिए। चलिए ठीक है दीपक, शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, और आप नजर बना के रखेगा, अपडेट लगातार आपसे लेते रहेंगे। तो सितारगंज का एक पूरा मामला था जहां पर कुछ लाभार्थी ऐसे थे जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला। ऐसे में लगातार वो कई सालों से अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं, कार्यालय पहुंच रहे हैं, नगर निगम के ऑफिस जा रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई यहाँ पर नहीं हो रही है। तो ऐसे में समझिए कि जिस योजना को लेकर लगातार सरकार भी कहती है कि हमने तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को घर दिए हैं, अभी भी कई ऐसे गरीब हैं जिन्हें घर नहीं मिल पाए हैं। चलिए आगे बढ़ते रुक करेंगे कुछ और खबरों का। कांग्रेस के एक बड़े नेता पार्टी को गुड बाय करने वाले हैं। दरअसल केंद्रीय मंत्री रहे एके एंटनी ने सोनिया गांधी को पत्र लिखकर कहा है कि वो अब सक्रिय राजनीति से संन्यास लेना चाहते हैं और कोई भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। 81 साल के एंटनी ने सोनिया गांधी से कहा कि 2 अप्रैल को उनका राज्यसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है और अब इसके बाद वो दोबारा चुनाव में नहीं उतरना चाहते। वो इस समय केरल से राज्यसभा सांसद हैं। एके एंटनी ने यह भी कहा कि वो अब दिल्ली में नहीं रहेंगे, जल्द ही वो त्रिवेंद्रमपुरम में शिफ्ट होंगे। बता दें कि वो 52 साल से राजनीति में हैं। पहली बार 1970 में वो केरल में विधायक बने थे। एके एंटनी कांग्रेस युवा और छात्र विंग के नेता रहे हैं। एंटनी 3 बार केरल के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। बता दें कि 37 साल की उम्र में वो केरल के मुख्यमंत्री बने थे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिस दिन लोगों को एक उचित विकल्प मिल जाएगा उस दिन भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर कर दिया जाएगा। बनर्जी ने कहा है कि उनकी पार्टी और अन्य विपक्षी खेमों को वैकल्पिक ताकत बनाने के लिए एक साथ आना चाहिए। उन्होंने पार्टी की संगठनात्मक बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी अब भी सत्ता में इसलिए है क्योंकि कोई विकल्प नहीं बचा है। जिस दिन विकल्प मिल जाएगा उसे बाहर कर दिया जाएगा। ममता बनर्जी ने यह घोषणा पार्टी के 3रे कार्यकाल की पहली वर्षगांठ पर की है। चौबीस फरवरी से शुरू हुई यूक्रेन रूस जंग के 14वें दिन भी जारी है और इसके चलते आने वाले दिनों में महंगाई और बढ़ सकती है। इस जंग के कारण इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम $140 प्रति बैरल के पार निकल गए हैं, जो 14 साल का हाई लेवल है। वहीं कच्चा तेल महंगा होने से आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ना तय माना जा रहा है। इसके अलावा डॉलर के मुकाबले रुपया सबसे कमजोर हालत में पहुंच गया है। वहीं अभी $1 की कीमत ₹77 के पार निकल गई है। ऐसे में इससे भी महंगाई बढ़ने लगी है। इसके अलावा नेचुरल गैस महंगी होने से आने वाले दिनों में एलपीजी सीएनजी के दाम भी बढ़ सकते हैं। वहीं अब मेटल की कीमत में भी तेजी देखी जा रही है। इसके अलावा यूक्रेन रूस युद्ध के कारण नेचुरल गैस की सप्लाई चेन को भी नुकसान हुआ है। दुनिया की कुल नेचुरल गैस उत्पादन में 17% हिस्सा रूस का है। ऐसे में यूक्रेन रूस विवाद से इसकी सप्लाई प्रभावित हो रही है। इससे वैश्विक स्तर पर गैस की कमी का असर दिखने लगा है और आने वाले दिनों में एलपीजी और सीएनजी की कीमतों में प्रति किलो 10 से 15 रुपए तक की बढ़ोतरी हो सकती है, यानी कि आम जनता को बड़ा झटका लगने वाला है। यूक्रेन पर रूसी हमलों का 14वां दिन है, यानी कि पिछले 14 दिनों से लगातार ये महायुद्ध जारी है। 14 दिन बाद भी यूक्रेन पर रूसी हमले कम नहीं हो रहे हैं बल्कि बढ़ते जा रहे हैं। राजधानी कीव समेत कई शहरों में अब हर जगह तबाही का मंजर है, त्राही माम मचा हुआ है। वहीं यूक्रेन पर हमले को देखते हुए सभी देश अपने अपने लोगों को वहां से सुरक्षित निकालने में जुटे हुए हैं। भारत ने भी ऑपरेशन गंगा के तहत अब तक हजारों छात्रों को यूक्रेन से सुरक्षित निकाला है। वहीं अब एक पाकिस्तानी छात्रा ने उन्हें यूक्रेन से सुरक्षित निकालने पर पीएम मोदी का धन्यवाद दिया है। महिला का कहना है कि आपका बहुत शुक्रिया हमें सुरक्षित निकालने के लिए। दरअसल महिला का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो खुद को एक पाकिस्तानी छात्र बताती है। वीडियो में कहती है, मेरा नाम अस्मा शरीफ है, मैं कीव में भारतीय दूतावास समेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमारी मदद करते हुए हमें यहाँ से सुरक्षित निकाला। My name is Asma Sheikh and I'm from Pakistan. And
and I'm really thankful to the embassy of Indian embassy of Kyiv for supporting us all the way here, as we were stuck in very difficult situations, and also thanking the Prime Minister of India, and thank you so much for supporting us get home safely because of the Indian embassy. जौनपुर में ईवीएम की सुरक्षा को लेकर सपा समर्थकों ने आरोप लगाया है कि पूर्वांचल विश्वविद्यालय के स्ट्रांग रूम में ईवीएम मशीन रखी गई है। पिछले 5 घंटों से स्ट्रांग रूम का सीसीटीवी काम नहीं कर रहा, जिसके बाद हंगामे की स्थिति देख मौके पर पहुंचे एसडीएम सदर ने जांच की और दिखाया कि सीसीटीवी काम कर रहा है, जिसके बाद मामला शांत हुआ। जैसा हम आपको बताना चाहते हैं कि यह जनपद जौनपुर की 9 विधानसभा का स्ट्रांग रूम यहाँ पूर्वांचल विश्वविद्यालय में बनाया गया है, और यहाँ का जो कैमरा था लगभग 5 घंटे तक बंद था, और यहाँ के जो अधिकारी थे वहाँ से बातचीत करने के बाद कैमरा 5 घंटे बाद चालू कराया गया, और यहाँ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बहुत मुस्तैदी से खड़े हैं, और भारतीय जनता पार्टी का कोई भी अधिकारी या कोई भी किसी भी जो भी वो भी करना चाहेंगे उनके जवाब देने के लिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता माननीय श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर सभी कार्यकर्ता घर से निकल कर यहाँ पूरी तरह से स्ट्रांग रूम के पास मुस्तैदी से पहरा दे रहे हैं, और हम आप सबको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि किसी भी साजिश में वो लोग सफल नहीं होंगे, और सभी कार्यकर्ताओं को हम धन्यवाद देना चाहते हैं जो लगातार अपने जो वोट दिए उसकी रक्षा के लिए। मऊ में सुभाषपा और सपा गठबंधन प्रत्याशी अब्बास अंसारी और दारा सिंह चौहान अपने समर्थकों के साथ नवीन कृषि मंडी के बाहर मतगणना स्थल पर बैठकर ईवीएम की निगरानी कर रहे हैं। बता दें कि सपा कार्यकर्ता और अन्य पार्टी के कार्यकर्ता भी ईवीएम की निगरानी में लगातार लगे हुए हैं। भैया आप सबको मालूम होगा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी और ओम प्रकाश राजभर जी के सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, इन दोनों के निर्देशों के अनुसार ये कहा गया है कि सभी जिम्मेदार पदाधिकारी जिले लेवल के और विधानसभा लेवल के और सभी प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्रों में जहाँ पर भी ईवीएम रखी हुई है स्ट्रांग रूम के बाहर इकट्ठा हों और किसी भी अनहोनी से बचाने के लिए तैयार रहें। हम लोगों को ये भी सूचना है कि कहीं ना कहीं सरकार के दबाव में प्रशासन के द्वारा कहीं ऐसा ना किया जाए कि जो एजेंटों को अंदर रखा गया है परमिट करके भी उनको भी ऐसा हमें सूचना मिली है कि शायद हटाने की प्लानिंग है और कोई ना कोई गड़बड़ करने की प्लानिंग है, तो प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर के बनिस्बत हम लोग इस चीज़ को कर रहे हैं कि कोशिश ये है कि कोई काम ना ऐसा हो जिससे कि कानून की अवहेलना। हाल ही में लखनऊ कमिश्नरेट में नवनिर्मित थाना सैरपुर में प्रभारी निरीक्षक डॉक्टर संजय कुमार सिंह की गश्त करते वक्त सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस विभाग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का एक दिन का वेतन स्वर्गीय संजय सिंह के घर वालों को देने का फैसला हुआ है। एक दिन का वेतन सबके देने से सहायता राशि का कुल अनुमान 1 करोड़ से ज्यादा का लगाया जा रहा है। कल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के परिणाम आने हैं, जिसे लेकर समाजवादी कार्यकर्ता काउंटिंग स्थल शिकोहाबाद पहुंच गए हैं, जहां पर सपा कार्यकर्ता 24 घंटे स्ट्रांग रूम की निगरानी करेंगे। सपा कार्यकर्ता काउंटिंग स्थल के बाहर डेरा डालकर बैठे हुए हैं और स्ट्रांग रूम की निगरानी कर रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से बनारस में, चंदौली में और सीतापुर जो 3 घटना हुई आज लगातार, जहां पे बैलेट पेपर और मशीनों को मंडी समिति के बाहर ले जाने का काम करा, और हम लोगों को आशंका है कहीं ना कहीं बेईमानी की जा सकती है। इस बेईमानी को रोकने के लिए समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो और हम सब लोग यहाँ पर मंडी समिति पर बैठे हैं और रखवाली कर रहे हैं अपने वोटों का। कब तक इस तरह से निगरानी चलेगी और क्या कहना चाहेंगे? ये निगरानी अब लगातार चलेगी जब तक मतगणना पूरी नहीं हो जाएगी तब तक। कन्नौज में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर सपा कार्यकर्ता मंडी समिति पहुंच गए, जहां पर सभी कार्यकर्ता मतगणना स्थल पर स्ट्रांग रूम के बाहर बैठकर ईवीएम की निगरानी कर रहे हैं। बता दें कि कल विधानसभा चुनाव के परिणाम आने वाले हैं, जिसके चलते कई राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता स्ट्रांग रूम की निगरानी करने में लगे हुए हैं।
वहीं लखनऊ में अखिलेश यादव की अपील का असर दिखने लगा है। अखिलेश यादव के आह्वान के बाद सैकड़ों की संख्या में सपा कार्यकर्ता ईवीएम की रखवाली के लिए रमाबाई स्थित स्ट्रांग रूम के बाहर जुटने लगे हैं। वहीं सपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि अब गिनती कराकर ही मतदान स्थल से घर लौटेंगे। कन्नौज के छिबरामऊ में अज्ञात कारणों से किराने की दुकान में आग लग गई। वहीं आग लगने से इलाके में अफरा तफरी का माहौल देखा गया। आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है। घटना की सूचना पुलिस और फायर ब्रिगेड को दे दी गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। वहीं फिरोजाबाद में भी आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर चलती हुई कार में अचानक भीषण आग लग गई। बता दें कि कार में सवार परिवार कानपुर से मथुरा जा रहा था, इसी बीच ये घटना हुई। वहीं आग इतनी तेज थी कि कार पूरी तरह से जलकर राख हो गई। बरेली के कोतवाली सिविल लाइन इलाके में दुकान पर ग्राहक बुलाने को लेकर दो दुकानदार आपस में भिड़ गए और दोनों के बीच जमकर मारपिटाई हो गई। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों दुकानदारों को हिरासत में ले लिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। हालांकि मारपिटाई का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। कल उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद उत्तर प्रदेश का इस समय मौजूद हो जाएगा उत्तर प्रदेश के हापुर में। एग्जिट पोल को लेकर क्या रही राष्ट्रीय लोकदल के युवा जिलाध्यक्ष अशोक त्यागी और कांग्रेस कमेटी के युवा उपाध्यक्ष सचिन की राय आप भी सुनिए। के अंदर, बंगाल के अंदर, केरल के अंदर, दिल्ली के अंदर, हरियाणा के अंदर सभी जगह जो है एग्जिट पोल जो है जनता ने नकार दिए, क्योंकि एग्जिट पोल जो भी हो रहे हैं वो सब बंद कमरे में बैठ के होते हैं, क्योंकि जनता के बीच में कोई जाता नहीं। आज तक मुझे कोई भी एक व्यक्ति ऐसा नहीं मिला किसी भी विधानसभा में जिससे कोई एग्जिट पोल का सवाल पूछा गया हो। अच्छा सर, ये बताइए, जैसे आपकी पार्टी को बहुमत मिलता नहीं दिख रहा एग्जिट पोल में, तो क्या कहना चाहेंगे इसमें? जनता ने जो है अपना जनादेश दे दिया है सपा गठबंधन को। गठबंधन की सरकार बन रही है 10 तारीख को और गठबंधन की जो सीटें हमें लग रहा है वो जो है 260 से 270 के बीच में आ रही है। देखिए, जहाँ तक एग्जिट पोल का सवाल है तो एग्जिट पोल सिर्फ अनुमान है, परिणाम नहीं है। परिणाम के लिए आपको 10 तारीख तक का इंतजार करना पड़ेगा और ऐसा भी नहीं कि ये इनका खंडन नहीं किया जा सकता है। आप देखिए कि पुराने पीछे बहुत सारे चुनाव ऐसे हुए हैं जहाँ पर एग्जिट पोल बिल्कुल नकारे गए हैं। और एग्जिट पोल के बारे में एक बात और मैं आपको बता दूँ कि जनता ने जो निर्णय किया है वो जनता ने किया। एग्जिट पोल से आप तो उनके लिए अनुमान नहीं लगा जा सकता, तो मैं पूरी तरीके से इन एग्जिट पोल का खंडन करता हूँ। इस समय मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के हापुड़ में और इस समय हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष उमेश राणा। जिस तरह से एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं उससे जुड़े कुछ सवाल हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। तो सर, जैसे एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं, क्या कहना है इसको लेकर? जो एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं ये वो नतीजे हैं जो जनता चाहती थी, और 5 साल के शासन के बाद जनता ने जो विश्वास भारतीय जनता पार्टी में जताया है उसी के अनुरूप ये हमारे एग्जिट पोल आए हैं। यदि जनपद की तीनों सीट की बात करें तो कहां तक आपको लगता है कि एग्जिट पोल सही साबित होगा? एग्जिट पोल 100% साबित होगा, ठीक रहेगा, और जनपद की तीनों सीट भारतीय जनता पार्टी अच्छे मार्जिन से जीत करके भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालेगी। यदि विपक्ष की हम बात करें तो विपक्ष लगातार जो एग्जिट पोल को नकार रहा है, इसको लेकर क्या कहना चाहिए? अभी नकार रहा है और जब बुरी तरह हारेगा 10 तारीख को उसके बाद ईवीएम पर भी दोषारोपण ये विपक्ष करेगा। तो जो हमारे जनपद की जनता है उनके लिए आपकी तरफ से क्या संदेश रहेगा? जनपद की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जताया है और भारतीय जनता पार्टी ने जब जब जनता का सहयोग लिया है, जनता ने भाजपा पर विश्वास जताया है, भाजपा ने जनता के भरोसे को पूरा किया है और उसकी अपेक्षा के अनुरूप ही काम किए हैं, इस बार भी ऐसे ही करेंगे। तो ये थे भाजपा के जिलाध्यक्ष उमेश राणा, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जनता के अनुरूप ही भाजपा ने कार्य किया है। तुषार शर्मा, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।